सो टुडेज ड्रग इज कैक्टस गैंडीफ्लोरस जो कि कैकटस प्लान से बनती है टाइप ऑफ कैक्टस प्लान्ट से बिलोंग करती है फैमिली कैक्टी से और जिसे नाइट ब्लूमिंग सेरियस भी कहते हैं कॉमनली यूज होम्योपैथिक मेडिसिन नहीं है ये इसके स्पेयर्स ऑफ एक्शन कम हैं और स्पेशली जो हैं वो हैं हार्ट एंड ब्लड बेसल्स एंड यूट्रस एंड ओवरी इन पर्टिकुलर एंड हैड एंड बॉडी इन जनरल इसकी पेशेंट का कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है वो प्लेथोरिक प्लेथोरिक का मतलब होता है कि उस पेशेंट के अंदर जो ब्लड है ब्लड की कमी नहीं है उसके अंदर बहुत ब्लड है मतलब दिखाई देता है रश ऑफ ब्लड होता है उसके अंदर फुल ब्लडेड पर्सन होता है वो जो पेशेंट होता है वो नीदर हॉट नॉर चिली ना उसे ज़्यादा ठंड लगती है ना ज़्यादा गर्मी और म्याज जो जिससे वो बिलोंग करता है पेशेंट वो सौरा ही है नाउ लेट्स मूव ऑन टू द गाइडिंग सिम्टम्स ऑफ द कैक्टस ड्रग कैक्टस स्टार्ट्स फ्रॉम सी तो जो इसके ज़्यादातर सिम्टम्स हैं हम उन्हें सी से याद कर सकते हैं सो फर्स्ट सिम्टम इज़ केज्ड बॉडी को ऐसा फील होता है जैसे केज्ड हो जैसे कि हम अगर कैक्टस देखें तो हमें दिखाई देता है कि वो बन्धा बन्धा काटो काटे होते हैं उसके बाहर तो जो पर्सन होता है उसे ऐसा फील होता है जैसे उसकी बॉडी जो है केज्ड हो गई है नेक्स्ट सिम्टम इज़ कॉन्स्ट्रिक्शन कॉन्स्ट्रिक्शन का मतलब होता है कसना फील होना या फिर नैरोइंग होना एक पार्ट की एक ऑर्गन की तो बहुत सारे पार्ट्स में ऑर्गन्स में कैक्टस uh, के पेशेंट को कॉन्स्ट्रिक्शन फ़ील होती है जैसे कि थॉट में चेस्ट में हार्ट में ब्लैडर में रेक्टम में यूट्रस में विजाइना में नेक्स्ट इज कंजेशन कंजेशन का मतलब होता है किसी फ्लूड का जमा होना फील हो सकता है पेशेंट को या ब्लड का जमा जमा फील होना हो सकता है ब्लड वेसल्स में Then चेन लाइक -like darting ऑफ पेन चेन लाइक darting ऑफ पेन का मतलब है कि डार्टिंग मतलब क्विकली जो है पेन इधर से उधर जा रहा है एज़ जैसे कोई चेन बनी हुई है एक चेन है उसमें पेन जो है इधर से उधर मूव हो रहा है क्विकली देन सीजिंग ऑफ मैंसेज ऑन लाइंग यानी कि लेटने पे जो है मैंसेज रुक जाते हैं बंद हो जाते हैं दैन क्लैस्ड एंड अन क्लैस्ड फीलिंग ऑफ हार्ट यानी कि हार्ट जो है कभी कभी बहुत ही टाइट फील होता है और कभी कभी बहुत ही लूज़ फील होता है दैट इज़ क्लैस्ब एंड अनक्लैस्ड फीलिंग ऑफ हार्ट देन फियर ऑफ़ डेथ होता है कैक्टस के पेशेंट को वो मानता है कि जो उसको डिजीज़ है उसका इलाज नहीं हो सकता सेम एज आर्सनिक आर्सनिक के पेशेंट को भी ऐसा ही लगता है और उसे फियर ऑफ़ डेथ होता है हेमरेज में कैक्टस दी जा सकती है और हेमरेज जो है नोज लंग्स स्टमक रेक्टम ब्लडर कहीं भी हो सकती है नेक्स्ट गाइडिंग सिम्टम है होल बॉडी फील्स एज इफ केज्ड पूरी बॉडी को ऐसा फील होता है जैसे कि उसे एक पिंजरे में रख दिया गया है ईच वायर बीइंग ट्विस्टेड टाइटर एंड टाइटर और उसे ऐसा फील होता रहता है जैसे कि जो उसके वायर्स लगें हैं आसपास ऐसा फील होता है उसे कि वायर्स लगें हैं आसपास उसकी बॉडी में और उन्हें ट्विस्ट किया जा रहा है टाइट टाइट मरोड़ा जा रहा है देन कंस्ट्रिक्शन, सी फॉर कंस्ट्रक्शन के लिए ये कैक्टस मेडिसिन इम्पॉर्टेंट है कैक्टस के पेंस जो होते हैं एवरीवेयर डार्टिंग स्प्रिंगिंग लाइक चेन लाइटनिंग यानी पेंस जो होते हैं दर्द जो होता है हर जगह होता है और वो क्विकली मूव करता रहता है एक जगह से दूसरी जगह और बहुत ही ज़्यादा होता है दैन हेड सिम्टम्स ऑफ कैक्टर्स आर हेड एक ऐसा होता है जैसे कि एक वेट रख दिया गया वर्टेक्स पे वर्टेक्स जो होता है टॉप पॉइंट होता है हमारे हेड का उस पर ऐसा फील होता है जैसे कि कोई वेट रख दिया गया है ऐसा हैड एक होता है सर दर्द और न्यूराल्जिया यानी कि न्यूरोन्स में पेन पीरियॉडिक होता है बार बार होता है और राइट right साइड होता है और बहुत ही ज़्यादा सीवियर होता है थ्रॉबिंग एंड पल्सिटिंग होता है मैंस्ट्रल फ्लो सीजेज़ वैन लाइंग डाउन मैंस्ट्रल फ्लो जो होता है वो बंद हो जाता है या बहुत कम हो जाता है जब जो पेशेंट होता है वो लाई डाउन करता है लेटता है तब ऑपरेशन ऑफ चेस्ट यानी कि पेशेंट को अपने चेस्ट पर एक हीवी वेट फील होता रहता है उसे लगता है कि कोई हीवी वेट उसको उसके चेस्ट को दबा रहा है प्रेस कर रहा है और उसको ऐसा लगता है कि एक आयरन बैंड बांध दिया गया है उसके चेस्ट के आसपास जिसकी वजह से वो नॉर्मल ब्रीदिंग और मोशन भी नहीं कर पा रहा है पेशेंट को ऐसी सेंसेशन भी हो सकती है जैसे कि एक टाइट कॉर्ड बहुत ही टाइट रस्सी बांधी गई है उसके लोअर पार्ट ऑफ चेस्ट पे जो कि जहाँ से हार्ट और टाइफ्राम कनेक्ट हो रहे हैं वहाँ पे सो so, जो कैक्टस का पेशेंट है उसे हर जगह स्पेशली चेस्ट पे ये फीलिंग रहती है जैसे कि वो केज्ड हो और जो वायर्स हैं वो ट्विस्ट करे जा रहे हैं पेंस बहुत ही डार्टिंग होते हैं मतलब क्विकली इधर से उधर मूव करते रहते हैं और उसको ऑपरेशन ऑफ चेस्ट यानी वेट फील होता है चेस्ट पे और हेड में भी उसे ऐसा लगता है सर पर किसी ने वेट रख दिया है थैंक यू सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़